या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, मैं मीनू खन्ना चैनल दिव्य के खास कार्यक्रम नवरात्रि रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि चल रही है और इस नवरात्रि के दौरान आप सभी के लिए हम CGC लांड्रा कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर लेकर आए हैं ये खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में CGC लांड्रा के होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हमें बताते हैं हेल्दी और स्वादिष्ट कुछ नई रेसिपीज। तो आज है हमारे साथ CGC लांड्रा के होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की स्टूडेंट सुनैना हमारे साथ। आइए सुनैना, नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है सुनैना नंदा। तो सुनैना, जैसे कि आप जानती हैं कि अभी नवरात्रि चल रही है, तो लोगों को अक्सर क्रेविंग होती है उन 9 दिनों में फास्टिंग की वजह से कुछ खास खाने की। तो उसी के लिए आज आप हमारे दर्शकों के लिए क्या नई रेसिपीज लेकर आई हैं? आज मैं व्रत की नई रेसिपी लेकर आई हूँ जी, जिसका नाम है, पहली जो हमारी रेसिपी होगी वो हमारी होगी कुट्टू की कड़ी जी, दूसरी रेसिपी हमारी होगी सिंघाड़े की पूरी जी, तीसरी रेसिपी हमारी होगी साबूदाना मैंगो पुडिंग। तो देखा आप लोगों ने, आज तक हमने सिर्फ बेसन की कड़ी ही सुनी थी, लेकिन सुनैना हमारे लिए लेकर आई है व्रत की स्पेशल कड़ी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो सुनैना, आप मुझे बताएंगी कि इस कड़ी को बनाने के लिए हमें क्या क्या स्पेशल इंग्रेडिएंट्स चाहिए? हमें चाहिए आलू, ये है इसके हम पकौड़े बनाएंगे जी, ये हमने बारीक बारीक काटा हुआ है जी। हरी मिर्ची जी, ये मैंने 4 लिया जी, ये हम बारीक बारीक काटेंगे अभी जी। दही लिया, ये मैंने एक छोटी कटोरी लिया है जी, कड़ी के लिए जी। कोरिएंडर लीव्स है, इसको ही मैंने बारीक बारीक काटा हुआ है जी। अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट है ये, ठीक है। ये है हमारा जीरा पाउडर, जीरे को मैंने रोस्ट करके और इसका पाउडर बनाया ये मैंने, ठीक है। ये हमारा है कुट्टू का आटा जी, इसमें से ही हम कड़ी बनाएंगे, इसमें से ही हम पकोड़े बनाएंगे कड़ी के लिए। ये हमारा सेंधा नमक, क्योंकि व्रत में सेंधा नमक यूज होता है जी। और ये हमारा काली मिर्च पाउडर है जी, ये हमारा साबुत जीरा है जी, ये ऑयल है। तो आइए अब हम शुरू करें। यस मैम जी, प्लीज आइए। अब हम एक बाउल लेंगे जी, इसमें हम 2 चम्मच आटा लेंगे, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, जो हमने एक कटोरी लिया था, ठीक है। 2 चम्मच आटे के बाद हमें एक कटोरी दही, वो भी छोटी वाली लेनी है हमें जी। 1 टेबलस्पून अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट जी। ऐड करेंगे इसमें हम नमक, सेंधा नमक जी, एज योर टेस्ट जी। ऐड करेंगे इसमें हम 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें हम 1/2 टेबलस्पून जी। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम एक पैन लेंगे जी, गैस को ऑन करेंगे जी। इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल जी। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी जीरा 1/2 टेबलस्पून साबुत जीरा डालेंगे इसमें हम, ठीक है। 2 हरी मिर्ची लेंगे, ठीक है, बारीक बारीक चॉप कर लेंगे हम, ठीक है। अब हमारा ये अच्छे से ब्राउन भी हो गया इतना जीरा जी। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये ग्रीन चिल्ली जी। अब हम गैस को सिम करेंगे जी, और जो हमारा ये जो बैटर है इसमें ऐड करेंगे वाटर जी। वाटर हम 1 कटोरी लेंगे जी, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। तो हम ये सारा बैटर इसमें ऐड कर देंगे, सारा बैटर ही अपना। फ्लेम को सीमी रखेंगे, ठीक है, और जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे इसको हम कंटिन्यू चलाएंगे जी। तो इस आज की जो हमारी जो दही है फटे ना, कंटिन्यू चलाएंगे एक बॉयल आने तक इसको। Thank you.
स्पेशल कढ़ी। अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी पर। तो सुनैना, अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? सिंघाड़े की पूरी। तो सिंघाड़े की पूरी और कढ़ी दोनों बनाइए और उसका आनंद उठाइए। तो चलिए अब हम चलते हैं पूरी बनाने की तरफ। और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी दूसरी रेसिपी पर। सुनैना, आप मुझे बताएंगी कि अब हम क्या बना रहे हैं, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? अब मैं बनाने जा रही हूँ सिंघाड़े की पूरी जी। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें यूज़ होंगे पूरी में, सिंघाड़े का आटा जी, ऑयल लेंगे हम पूरी को फ्राई करने के लिए जी, जीरा जी, पाउडर, ये ब्राउन जीरा पाउडर है जी, ये कोरिएंडर लीव्स जी, ये आलू है, ये मैंने दो मीडियम साइज के बॉइल्ड कर रखे हैं, उबाल रखा है इनको मैंने जी, अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट जी, सेंधा नमक जी, काली मिर्च पाउडर जी। अब हम पहले एक कढ़ाई लेंगे जी, इसमें ऐड करेंगे ऑयल जी, इतने हमारा ये ऑयल गरम हो रहा है। डो बनाने के लिए हम एक बड़ा बाउल लेंगे जी, इसमें ऐड करेंगे हम सिंघाड़े का आटा जी, ये मैंने दो कटोरी लिया है जी, इसमें ऐड करेंगे हम अपने उबले आलू जो मैंने दो लिए थे मीडियम साइज के जी, इसमें ऐड करेंगे हम कोरिएंडर लीव्स जी, इसमें ऐड करेंगे हम अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट, ये लेंगे हम हाफ टेबल स्पून जी, ऐड करेंगे इसमें हम सॉल्ट जी, सेंधा नमक, सेंधा नमक का यूज करेंगे जी, एज योर टेस्ट। ऐड करेंगे इसमें हम जीरा पाउडर जी, ये भी हम हाफ टेबल स्पून लेंगे जी। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे ऑयल जी, इससे हमारी जो पूरी है वो एकदम खस्ता बनेगी जी। 1 टेबल स्पून लेंगे इसमें हम। डो बनाने के लिए हम वाटर यूज करेंगे जी। डो हमें बिल्कुल वैसे मीडियम साइज में गूंदना है, जैसे हम आटा अपना लेते हैं पूरी के लिए ऐसे हमें गूंदना है। ज़्यादा हमें पतला भी नहीं करना और सख्त भी नहीं करना। और ऑयल हमारा इसमें कमी डालेगा क्योंकि इसमें हमने आलू डाल रखे हैं। और पहले हम आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फोड़ लेंगे आलू को। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर जी। खिला बनाए जी। और ये जो हमारे जो काजू है इसको हमने हाफ काट रखा है जी। और ये हमारे मैंगो है, मैंगो के हमने लॉन्ग स्लाइसेस कर रखी है जी। ये हम गार्निश में यूज करेंगे जी। ये चीनी ली है हमने जी। ये हमारे जो है आम की प्योरी है जी। ये जो हमारा आम हमने लिया था उसको पील करके और इसके अंदर का जो वो पार्ट था वो हमने मिक्सी में ग्राइंडर कर लिया, इसकी एक प्योरी बना ली हमने जी। ये इलायची पाउडर जी। ठीक है, तो शुरू करें। हाँ जी जी, अब हम शुरू करते हैं जी। अब हम एक पैन लेंगे जी।
तैयार होने वाली रेसिपी। तो आज के एपिसोड में आपने जाना पूरी, कड़ी और मैंगो साबुदाना पुडिंग को कैसे बनाया जाता है। तो आप भी अपने घर पर इन रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक हमें नीचे दिए गए नंबर पर लिखकर बताइए कि आपको ये रेसिपी बनाना कितना आसान लगा और आपको टेस्ट में ये कितना स्वाद लगा। इसके साथ ही अगर आपने ये एपिसोड बीच में देखा है या कोई चीज़ मिस हो गई है तो नीचे दिए गए YouTube लिंक पर जाकर भी आप चैनल दिव्य के YouTube पेज पर जाकर भी इस रेसिपी को देख सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस नवरात्रि रसोई के साथ। हम आपसे मिलेंगे कल फिर इसी समय पर अपने स्टूडेंट के साथ और भी नई और डिलीशियस रेसिपीज के साथ। थैंक यू सुनैना, नमस्कार।